हेलो, बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे श्रद्धेय संत श्री रतन साहब जी से। कबीर आश्रम ककरैया इधर एटा इटावा जिला में है। मुख्य रूप से आत्मा के संबंध में उन्होंने बातें कही कि आत्मा को जानना है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका बोध पाना है। हमारे पास तीन बातें हैं, तीन बिंदु, वो सबके पास है, सबके पास। क्या क्या है? शरीर है, मन है और आत्मा है। ये ख्याल है आप लोगों को? सुबह भी कहा था कि यदि आप जिंदा हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ इस शरीर में आत्मा का निवास है, इस शरीर में आत्मा का निवास है। तीनों बातें पर थोड़ी सी बातें मैं कह के आगे का कार्यक्रम बताऊं। शरीर, मन और आत्मा, जहां तक आत्मा की चर्चा हुई, अभी सुन रहे थे कि आत्मा क्या है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निर्विकार है, अक्षय है, अखंड है, ये बातें हैं। इसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है, इसके बारे में हमें बोध होना चाहिए कि मैं सचमुच कौन हूं। लेकिन इतना जानने मात्र से काम होने वाला नहीं है। क्या होता है? क्योंकि ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि वह अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील में ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से परिवर्तन नहीं ला सकते। अशुद्ध हो तो शुद्ध बनाया जा सकता है, विकारी हो तो निर्विकारी बनाया जा सकता है, बंधन में हो तो उसे मुक्त बनाया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं है, इसलिए उस पर तो ज्यादा काम नहीं कर सकते आप। हाँ, उसका ज्ञान चाहिए। जैसे भी सुने तो पढ़कर, सुनकर, संतों के नजदीक जाकर के उसके बारे में ये सही ढंग से आपको ज्ञान, आत्म ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आप ये चाहें कि मैं उसमें परिवर्तन ला दूंगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है हमारे पास में? शरीर। शरीर में क्या है? शरीर निरंतर बदल रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसलिए आप ज्ञान के माध्यम से साधना करके उस शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकते। आप ये चाहें मैं कोई भस्म खा लूं, दवाई कर लूं, योगा कर लूं, प्राणायाम कर लूं, कुछ भी आप एक कोई रसायन ले लें, या इसका एक नए ढंग से कुछ काम कर लें और कहें कि शरीर जो है वो स्थायी बन जाए, या बुढ़ापे की ओर न जाए, जवान हमेशा बना रहे, या ये हमेशा जिंदा रहे, यह संभव नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी, करोड़ों यतन कर लो एक दिन इसे धूल में समाना है। इसलिए आप ज्ञान के माध्यम से क्या कर सकते हैं? इसमें संयम, संयम। क्यों संयम करना है? इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए संयम करना है, इसकी देखभाल करनी है, इसकी रखरखाव की चिंता करनी, क्योंकि ये साधन है। साधन से ही आप साध्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसको सही देखभाल करें, सही व्यवस्था करें, ये स्वस्थ रहे, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर जा सकें। इस साधन के माध्यम से आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, आप उसके रखरखाव का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, उसमें तेल है कि नहीं है, ब्रेक सही है कि नहीं है, ऑयल है, और भी जो भी चीजें हैं, यदि आप इस पर लापरवाही बरतेंगे तो फिर कुछ दूर जा करके आपकी गाड़ी रुक जाएगी, जवाब दे देगी। तो साधन को हमें सही रखना है, लेकिन हम ये कहें ये सदा के लिए ऐसा ही बना रहे, ये संभव नहीं है। दो बातें, ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से आत्मा में परिवर्तन नहीं कर सकते।
ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकते। एक चीज है बस, और तीसरा क्या बचा? मन। ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से केवल एक चीज में परिवर्तन ला सकते हैं, मन चाहा परिवर्तन, वह है मन। आप उसे बदल सकते हैं, आप उसमें चेंज ला सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है ज्ञान गुरु मन चेला। ज्ञान का संबंध आत्मा से नहीं है, ज्ञान का संबंध शरीर से नहीं है, ज्ञान का संबंध मन से है। और मन का बदलना ही जीवन का बदलना होता है, मन का परिवर्तन ही जीवन का परिवर्तन होता है। क्योंकि मनुष्य का मन ही मनुष्य है, मनुष्य का मन ही मनुष्य है। यदि किसी मनुष्य को बदलना है, मन बदल दो, बदल जाएगा आदमी। लेकिन आप केवल इतना ही जाने कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, उससे कोई लाभ नहीं। क्यों? अभी तो हमको पता है ना, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। मैं शुद्ध हूं लेकिन मन में अशुद्धता का भाव जगता है। मैं निर्विकार हूं, आत्मा निर्विकार है लेकिन मन में विकार आते हैं। आत्मा निर्बंध है, मुक्त है लेकिन मन में बंधन के भाव आते हैं, तो कहां बदलना होगा? इसलिए आत्मा की शुद्धता का अनुभव आपको तब होगा जब आपका मन शुद्ध होगा। चित्त की शुद्धि के बिना उस क्या अशुद्ध चित्त, अशुद्ध मन शुद्ध आत्मा से संबंध बना सकता है? विकारी मन निर्विकारी आत्मा से संबंध बना सकता है? नहीं बना सकता है। और उसका लाभ, उसकी शुद्धता का लाभ, उसकी पवित्रता का लाभ, उसकी निर्विकारता का लाभ, उसकी मुक्तता का लाभ कब मिलेगा? जब आपका चित्त भी वैसा हो, तभी उसके प्रतिबिंब, उसकी परछाई होगी। इसलिए साहब ने कहा, जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से भाई। सदगुरु कबीर ने बीजक में भी कहा है, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, और मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा। ये भीतर जो अंतरतम है ना, ये जो मन है और चित्त जिसको मैं कह रहा हूं ना, उसकी सफाई कर दो, फिर उसकी जो जो पवित्रता है उससे संपर्क हो जाएगा और आपको पवित्रता का अनुभव होने लगेगा। साधना क्या करनी है? मन को पवित्र बनाने का, निर्मल करने का, शुद्ध करने का, और यह काम हम सभी कर सकते हैं। सही है? क्या नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते मुझे बताइए। यदि आपके पैर नहीं है तो भी कर सकते हैं, आपके हाथ नहीं है तो भी कर सकते हैं, दोनों आंख नहीं है ना तो भी कर सकते हैं, और कान ने भी जवाब दे दिया हो ना तो भी आप कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बताइए? आपको मन को ही तो अच्छा बनाना है, और यही तो जीवन परिवर्तन का कारण है। तो ये बातें अभी जो सुन रहे थे ये इसी संदर्भ में है। मैंने क्या कहा था, एक पंक्तियां कुछ सुनेंगे, ऋषालदास जी आप आए और एक कुछ पंक्तियां आपका है। यहाँ आप छत्तीसगढ़ दोंदे कला से आए हुए हैं, आप स्वयं कवि भी हैं, अच्छा गाते हैं, तो थोड़ा समय है गाएं। और फिर थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा, जो सुबह का सत्र वाला जो खाली है ना उसको बताना चाहूंगा कि क्या है वो। ये माइक वहीं दे दो, खड़े हो जाएं आप। हेलो, आप वहां खड़े हो जाएं, माइक ले लें। हाँ दे दीजिए। माइक के चालू होने के पहले आप लोग बोल सकते हैं, है ना, उसके बाद शांत। हाँ बोलिए। हेलो। सर्व संत के चरण धूलि को,
सर्व संत के चरण धूलि को ले मस्तक बारंबार, अंतःकरण से करूं बंदगी जो पहुंचावे पार, अंतःकरण से करूं बंदगी पहुंचावे भव पार। दोंदे कला छत्तीसगढ़ से इस सत्संग में आया हूँ, इस सत्संग में आया हूँ, गुरुवर का सानिध्य मिला तो वाणी निर्मल पाया हूँ, गुरुवर का सानिध्य मिला तो वाणी निर्मल पाया हूँ। इस धरती के हर एक कण में, इस धरती के हर एक कण में बस गुरुवर का ही वास है, बस गुरुवर का ही वास है। विश्व के अनगिनत मत पंथों में पारख ही तो खास है, विश्व के अनगिनत मत पंथों में पारख ही तो खास है। सन 1977 से अनवरत चली यह धारा है, अनवरत चली यह धारा है। आध्यात्म और विज्ञान का संगम दोनों को स्वीकारा है, आध्यात्म और विज्ञान का संगम दोनों को स्वीकारा है। अटपट ज्ञान कबीर का, अटपट ज्ञान कबीर का यहाँ नित्य दर्शन होता है, यहाँ नित्य दर्शन होता है। और झटपट समझ में आए ऐसे, झटपट समझ में आए ऐसे संत लगाते गोता है, झटपट समझ में आए ऐसे संत लगाते गोता है। इस सत्संग हिमालय से जो ज्ञान की गंगा बहती है, जो ज्ञान की गंगा बहती है। बारहों मास साधकों की खेती हरी भरी ही रहती है, बारहों मास साधकों की खेती हरी भरी ही रहती है। खान तारा से प्रीतम नगर, खान तारा से प्रीतम नगर और कबीर नगर अब विश्व मंच तक जाना है, अब विश्व मंच तक जाना है। अभिलाष कृपा पूरी होगी हर मन से अज्ञान मिटाना है, अभिलाष कृपा पूरी होगी हर मन से अज्ञान मिटाना है। अंत में रिसाल दास धर्म प्रचारक की विनती सुनो मन लाए, रिसाल दास धर्म प्रचारक की विनती सुनो मन लाए। सत्य ज्ञान जो अमल में लावे कभी नहीं पछताए, सत्य ज्ञान जो अमल में लावे कभी नहीं पछताए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की, गुरुवर अभिलाष देव की, साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। गुरुशरण जी, साहेब जी पहले एक भजन गाना है, आप समय से आ जाएंगे है ना अपनी टीम के साथ में, और आज साहेब जी जल्दी आएंगे भी, थोड़ी देर मैं चर्चा करूं। गोयल जी जा करके साहब को ले आएंगे है ना, थोड़ी करीब 10 मिनट पहले ही।
दो शब्द नीचे रख दो बेटा, नीचे रख दो, हाँ बस बस। ऐसा लगता है थोड़ा से जय बोलने की आवश्यकता है, है ना? कुछ थोड़ा सा वो हो गया है। एक बार जय बोलेंगे क्या आप लोग? जय सब लोग बोलेंगे? जिसके मुंह में जीव ना हो तो ना बोले, और जिसको डॉक्टर ने मना किया वो ना बोले, बाकी सबको बोलना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, आप सबकी भी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी बातें करते हैं। क्या कहा? दो शब्द हैं जिससे हम सभी परिचित हैं। कौन से हैं वो? सुख और दुख। सही है, कौन नहीं जानता है सुख दुख के बारे में। सुबह के सत्र में इस पर चर्चा हो रही थी कि सुख हम चाहते हैं लेकिन दुख पाते हैं, सुख चाहते हैं लेकिन हमें दुख मिलता है। बहुत थोड़ी सी बात ये बताना चाहता हूं, सुख का मिलना या फिर दुख का मिलना ये जीवन का रिजल्ट है। इसको आप पहले समझ लें, ये कर्म नहीं है, ये रिजल्ट है। किसके? आप और हमारे कर्मों के। सुख का अनुभव हो रहा है, रिजल्ट है। जो भी आप किए हैं उसका रिजल्ट आया, परिणाम आया है। दुख का अनुभव कर रहे हैं, अशांति का अनुभव कर रहे हैं, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। आप रिजल्ट में परिवर्तन नहीं ला सकते। परीक्षा देने के बाद आप परीक्षा परिणाम में परिवर्तन ला सकते हैं कि परीक्षा देने के पहले ला सकते हैं, मुझे बताएं आप। परीक्षा देने के पहले है ना, लेकिन आप ये कहें परीक्षा देने के बाद पूजा शुरू कर दो, पाठ शुरू कर दो, भजन शुरू कर दो, या किसी नदी में जाकर के स्नान करो, बदल जाएगा रिजल्ट। एक परिवार था, घर में उसके मकान में एक छोटा सा मंदिर था। लोग थोड़ा से धार्मिक हो गए हैं, देख लेना धार्मिक हो गए कि नहीं हो गए हैं। देखे ना अभी किस दिन नवरात्र में क्या कमाल के लोग नाचते थे। उसके पहले गणेश चतुर्थी में जब वो पक्ष था तो उसमें क्या कमाल करते थे। तो घर में मंदिर था, मंदिर के पास, मंदिर के सामने जा करके घर में जो उनके घर के मालिक थे, माता पिता थे, वो अभी बड़े नहीं थे, बहुत बुजुर्ग नहीं थे, जवान ही थे। दोनों पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। उन दोनों का छोटा बच्चा था, वो देखा करता था। एक दिन पूछा, मम्मी भगवान की पूजा क्यों करती हो? ये पूछते ना बच्चे, भगवान की पूजा क्यों करती हो? मम्मी ने कहा, बेटा भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है और सब कुछ कर सकता है, जो मांगो वह दे देता है, यहां तक के बिगड़े काम को भी वह बना देता है, यदि सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो। ये बात बच्चे की जेहन में उतर गई। अगले दिन से वो छोटा बच्चा भी मंदिर के पास भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा और अंदर में कुछ शब्दों को दोहराने लगा। एक दिन दो दिन बीते, माँ ने सोचा बहुत अच्छा हमारा बेटा, देखो कितना बढ़िया धार्मिक, हाथ जोड़कर खड़ा है, भगवान की प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है। दो तीन दिन के बाद माँ ने पूछा, बेटा तुम भगवान से क्या प्रार्थना करते हो, क्या मांगते हो? क्या कहा उसने? माँ आपने कहा था ना कि भगवान बिगड़े काम को भी बना देता है। हाँ बना देता है ना बिगड़े काम को, भगवान तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो छोटे बच्चे ने कहा, क्या कहा? माँ अभी एक सप्ताह पहले स्कूल में परीक्षा हुई है, टेस्ट हुआ है। परीक्षा में पूछा गया था कि भारत की राजधानी कहाँ है, और मैंने धोखे से क्या लिख दिया, लखनऊ। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से, हे भगवान वो दिल्ली को काट करके लखनऊ बना दो।
लखनऊ को काट करके दिल्ली बना दो। क्या कहा? लखनऊ को काट करके दिल्ली बना दो। क्या उत्तर था माँ का? क्या उत्तर हो सकता है? बेटा भगवान तो ऐसा नहीं कर सकता है। कर सकता है? जब वो लखनऊ को काट करके दिल्ली नहीं बना सकता है तो आपके बुरे कर्मों को काट करके अच्छे कर्मों बदल सकता है? परिणाम को बदल सकता है? परिणाम को नहीं बदल सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, अंदर में संतुष्टि का अनुभव होता है, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव आता है। यह आपके जीवन का रिजल्ट है। और दुख का अनुभव होता है, अशांति का अनुभव होता है, शिकायत का अनुभव होता है, संघर्ष का अनुभव होता है, यह भी आपके जीवन में जो रिजल्ट है वो आ रहा है। इसलिए परिवर्तन वहां करना है। दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूं, सुख और दुख, कुछ लोग प्रायः कहा करते हैं कि संसार दुख रूप है, ये शास्त्रों में भी है और कहना गलत नहीं है, मैं उससे अग्री हूं। लेकिन दूसरे पक्ष को मैं कह रहा हूं, इसके भगवान बुद्ध ने भी कहा है संसार दुख रूप है, गीता में बात आई है, ये दुखालयम अशाश्वतम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी, सद्गुरु कबीर ने भी कहा है बहुत दुख 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 की खानी। सारा संसार दुख रूप है ये हम सुनते आए हैं। और मैं क्या कहना चाहता हूं, संसार दुख रूप नहीं है। आप कहेंगे सुख रूप है, नहीं, संसार सुख रूप भी नहीं है, संसार बस है, संसार बस है। अब इस संसार में आप क्या निर्माण कर रहे हैं यह आप पर निर्भर करता है। संसार का मतलब क्या हुआ, ये सूर्य, यह चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये हवा मंडल, ये आकाश, ये धरती, यही तो संसार है। मैं पूछूं आपको, सूर्य दुख दे रहा है? सूर्य दुख दे रहा है? चंद्रमा दुख दे रहा है हमको? ये पृथ्वी हमको दुख दे रही है? ये हवा हमको दुख दे रही है? क्या ये वनस्पतियां दुख दे रही हैं? अन्य प्राणी हमको दुख दे रहे हैं? कहां है दुख? जब आप सद्गुरु कबीर की इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ने जाएंगे, बहुत दुख 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 की खानी, तब गुरुदेव जी ने व्याख्या करते हुए लिखा है दुख क्या है, अज्ञान दुख है, आशक्ति दुख है, मोह दुख है, राग दुख है। ये संसार का मतलब वह संसार जो बाहर है वो दुख रूप नहीं है, हमने जो भीतर अपने भीतर जो संसार का निर्माण किया है वह हमने दुख का ही निर्माण किया है। परिणाम क्या आएगा? वो निर्माण ही हमने वही किया है। क्या किया है? हमने जो कुछ किया है, कर्म किया है, इंद्रियों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से शब्दों का उच्चारण किया है, और अपने मन के माध्यम से विचारों को सोचा है, चिंतन किया है, और ये सब का जो एसेंस है, सबका जो रस है, वो आपके भीतर इकट्ठा होता है। इसी संसार में रह करके आदमी दुखी होता है, इसी संसार में रह करके आदमी सुखी होता है, इसी संसार में रह करके आदमी सफल होता है, इसी संसार में रह करके आदमी असफल होता है। संसार वही है, आप देख लो आजू बाजू, आप अपने ही घर में जाके देख लो। एक आदमी ऐसा है, सुबह उठा, भाव है तनी हुई, देख लेना, नाराज, आंखें लाल, कुछ बोलो तो ऐसा लगता है जैसे कोई जहर उगल रहा हो, कुछ काम के लिए कहो मौन, खाने पीने कहो नहीं, कहां से, उसी परिवार से ले रहा है वो, कहां से लिया बताइए मुझे। लेकिन एक आदमी क्या है, खुश, मुस्कुरा रहा है। आप कल्पना करिए, एक कोने में एक आदमी बैठा है जो नाराज है, भावें तनी हुई है, शब्द बोल रहा है बहुत उत्तेजित, अग्रेसिव है, और कुछ कहो तो बस कुछ और भी बोल देता है। एक दूसरे कोने पर एक दूसरा आदमी बैठा है, मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न है, कोई बात कहो बहुत बढ़िया, और पूरा सहयोग का भाव है, आनंदित है, आपके साथ में सहयोग करना चाहता है। किसके पास जाकर के बैठना चाहेंगे आप? किसके पास जाके बैठना चाहेंगे? जो क्रोध से आग से जल रहा है उसके पास जाना चाहेंगे कि जो प्रसन्न में शांति से जीवन जी रहा है उसके पास जाना चाहेंगे? तो जो क्रोध से जल रहा है
वह आदमी कहां से क्रोध उठाया है और जो शांति से जीवन जी रहा है वो कहां से उठाया है। बुद्ध और महावीर, कबीर और स्वामी विवेकानंद, लाओत्से और कन्फ्यूशियस, ईसा और मोहम्मद, राम और कृष्ण इसी धरती पर आए, इसी दुनिया में जिए। जो हम लोग हवा ग्रहण कर रहे हैं वही हवा ग्रहण करते थे, जिस पृथ्वी पर हम लोग जी रहे हैं चल रहे हैं वही चलते थे, उसी अन्न को खाते थे, उसी आकाश के नीचे थे, उसी सूर्य की रोशनी में वो लोग भी जीवन पाते थे, सब कुछ तो वही था। क्या ले लिए वो लोग, कहां से लिए आखिर में? इसी दुनिया से। आप दुख भी इसी दुनिया से खींच रहे हैं, सुख भी इसी दुनिया से खींच रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? बारिश सबके लिए बराबर होती है, माली भी पानी सींचता है, सबको एक ही पानी देता है, सबके लिए समान वो व्यवहार करता है, लेकिन होता क्या है? ये सारी चीजें समान होते हुए भी अंतर कहाँ होता है आप देखेंगे। एक गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधे में गुलाबी रंग का फूल खिला है, गुलाबी गुलाब की सुगंधी है, लेकिन एक चमेली के पौधे में आप देखेंगे सफेद रंग का फूल खिला है, चमेली की सुगंधी है। गेंदे में दूसरी आकृति, दूसरी सुगंधी, क्यों? जब जमीन बराबर है, आकाश बराबर है, सूर्य की रोशनी समान है, पानी भी समान रूप से दी जा रही है, फिर भी अलग अलग रंगों के फूल क्यों? अलग अलग फूलों में सुगंधी क्यों? कभी पूछना माली से, पूछना माली से, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? इसमें देखो ना, इसमें हरा देखो, इसमें पीला देखो, इसमें गुलाब रंग, गुलाबी रंग, और इसमें देखो सफेद रंग, क्यों ऐसा है? जबकि सब कुछ बाहरी परिस्थिति सबके लिए सेम है, क्या कारण है? क्या देगा उत्तर माली पता है? क्या कहेगा? बाहरी परिस्थिति सबके लिए बराबर है, लेकिन जो उसका बीज है ना पौधे का, वह बीज क्या खींचता है इस वातावरण से, वही उसके लिए महत्वपूर्ण है। गुलाब संकल्प लेता है, मुझे गुलाबी रंग चाहिए, गुलाब की सुगंधी चाहिए। सूर्य रोक नहीं पाता है, पृथ्वी रोक नहीं पाती है, आकाश रोक नहीं पाता है, पूरा वायुमंडल रोक नहीं पाता है। प्रकृति में कितनी शक्ति है, लेकिन प्रकृति की पूरी ताकत मिल करके गुलाब की मांग को ठुकरा नहीं सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि हम इसी प्रकृति से, इसी संसार में रह करके सुख की मांग करें, तो क्या प्रकृति ठुकरा देगी? क्या लोग ठुकरा देंगे? मैं फिर से कह रहा हूं, हम नहीं चाहते, समझ गए? आपको चोट लग सकती है, हम नहीं चाहते कि हम सुखी रहें। यदि सुखी रहना चाहेंगे ना और मांग करेंगे, ये दुनिया आपको सुखी बनाने वाली है, जैसे बुद्ध को बना दी, कबीर को बना दी, गुरुदेव को बना दी, यही प्रकृति है। आप खींच, मैंने कहा ना, आप लेते क्या है, लेते क्या है? मैं इसको आप प्रयोग और बड़ा सरल उदाहरण के बताऊं, आप अपने घर जाइएगा और घर में कहीं बाड़ी में आंगन में कुछ जगह जमीन होगी तो एक प्रयोग करना, एक पौधा रोप देना गन्ने का, बाजू में एक रोप देना नींबू का, उसके बाजू में क्या रोप देना मिर्चा का, और आपके पास समय है तो नीम का भी, तीन चार पौधे लगा दिए और सभी पौधे तैयार हो गए, बिल्कुल बिल्कुल सब तैयार है, नींबू फल के तैयार, मिर्चा फल के तैयार, नीम भी और गन्ना भी बिल्कुल तैयार है, और उन सारे फल से पौधे से हम रस निकालें, तो गन्ने से रस निकालेंगे तो कौन सा रस निकलेगा? हाँ, मीठा, ठीक है। और नींबू से निकालेंगे रस तो कौन सा निकलेगा? और मिर्चा से निकालेंगे तब, और नीम से निकालेंगे तब, क्यों मुझे बता दीजिए, क्यों? कहां से खींचे हैं वो? मतलब गन्ने के लिए प्रकृति ने पक्षपात की है, और नीम के साथ में और नींबू के साथ में क्या दुश्मनी है उसकी? नहीं, सही है कि नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, आप लोग कौन सा रस लिए हैं भीतर में? चेक कर लो, थोड़ा से चेक कर लो, क्या पता चल रहा है? लग रहा है कड़वाहट तो ज्यादा है, मिर्चा ज्यादा है। और मैं निवेदन करता हूं, मिर्चा और नींबू ये दोनों बदल नहीं सकते, आप बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं। यदि आपने अभी तक के कड़वाहट ग्रहण की, और मैंने बताया ना कड़वाहट कैसे, जो आप सोचते हैं
जो आप बोलते हैं और जो व्यवहार करते हैं वो सब के सब यहाँ संस्कार के रूप में, रस के रूप में यहाँ इकट्ठा रहता है। और जब दबाव आता है, ध्यान दीजिए, आदमी का असली परिचय जब सब कुछ बढ़िया और अनुकूल चल रहा हो, नहीं चलेगा, कब पता चलता है? ये पंक्ति सुने हैं, आपत्ति काल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र अरु, सुने हैं? धैर्य की परीक्षा विपत्ति काल में होती है, धर्म की परीक्षा, साधना की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। हमने क्या किया है जब हमारे जीवन में, तो अच्छा आदमी विपत्ति काल में और अच्छा हो जाता है, और गलत आदमी जब परिस्थिति बदलती है तो और गलत हो जाता है। ये आप देख लीजिए, मैंने कहा ना, एक ही समान दबाव पड़ा, अलग अलग रिएक्ट करते हैं, अलग अलग रिजल्ट। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं। एक किसान था, वो अपने जीवन से बहुत दुखी था, और एक समझदार आदमी के पास, बहुत ही अच्छे इंसान के पास वो जाकर शिकायत किया, क्या देखो ना, जीवन में सब कुछ प्रतिकूलताएं हैं, इसको ठीक करता हूँ वहां गड़बड़ हो जाता है, उसे ठीक करता हूँ वहां, एक बनाता हूँ चार बिखरता है, क्या करूं मैं, ऐसा लग रहा है मुझे अब जिंदा रहने का हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए, मैं मरना चाहता हूँ। उस आदमी ने क्या किया, जिस सज्जन ने क्या कहा, एक काम करो, एक काम करो, वो जो नदी है ना बाजू में, वहां से तुम पानी भर लाओ। और ज्यादा से पानी ले आया, एक बड़ा सा बर्तन में पानी लाया, और उसने क्या किया, उस आदमी ने तीन बर्तन, छोटे छोटे तीन बर्तन थे, उस तीनों बर्तन में उस पानी को डाल दिया, बराबर बराबर पानी को डाल दिया। और फिर क्या किया, एक बर्तन में क्या डाला, गाजर, दूसरे बर्तन में क्या डाला, अंडा, तीसरे बर्तन में क्या डाला, चाय पत्ती, ये तीनों को डाल करके क्या दिया, अंगीठी में रख दिया, आंच में रख दिया, चूल्हे में रख दिया, आग जला दी, और तीनों क्या हुआ, फिर से ख्याल कर लीजिए, पानी तीनों में है, एक में क्या है, गाजर है, याद रखना, दूसरे में क्या है, अंडे हैं, तीसरे में क्या है, चाय पत्ती, ये तीन चीजें अलग अलग तीनों बर्तन में रखे, और तीनों को ताप बराबर दिया जा रहा है, तीनों को बराबर ताप दिया जा रहा है, और तीनों कुछ देर तक, आधे घंटे पौना घंटा तक अब पानी से उबलने लगा, और सब पकते चले गए। फिर उसको उतारा, और जो गाजर वाला बर्तन था उसको डाल दिया, गाजर को एक बर्तन में, दूसरे बर्तन को जो अंडा था उसको भी डाल दिया। अब किसान से क्या कहता, जो आया था इसको टटोलो, छुओ, क्या है इसमें, कैसे हो रहा है। गाजर को छुआ तो क्या हुआ, सख्त हो गया था, टाइट हो गया था, है ना, नहीं क्षमा करें, गाजर क्या हो गया था, ढीला हो गया था, उबलने के बाद में, पहले कड़ा होता है ना गाजर, फिर जब उबला पानी में तो ढीला हो गया। अंडा ऊपर से एक लेयर होता है और अंदर में केवल लिक्विड होता है, फिर क्या हो गया था, वो वही अंडा भीतर से सख्त हो गया था, पानी वही था, टेम्परेचर वही था, तापमान वही था, प्रयोग सब वही था, क्या हुआ, गाजर को टटोला नरम, अंडे को टटोला, जो पहले नरम था अब कड़ा हो गया, और जो पहले कड़ा था अब वो नरम हो गया है। छुआ, फिर उसने क्या किया, चाय, जिसमें चाय डाला था उसको छाना और उसको पीने को दिया, पिया तो मुस्कुराने लगा, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा स्वाद है, लेकिन ये बताइए क्या है, मतलब इसका क्या है। उन्होंने क्या कहा, गाजर को, अंडे को, चाय को एक ही परिस्थिति से गुजारी गई है, वही पानी, वही तापमान, लेकिन तीनों का रिएक्शन, तीनों की जो प्रतिक्रिया है वह अलग अलग है। क्या गाजर सख्त है, लेकिन परिस्थिति जब बदली तो क्या हो गया, बहुत कोमल, ढीले ढाले हो गए। हम में से बहुत लोग हैं, दिखते तो बड़े सख्त हैं, लेकिन जब विपत्ति की स्थिति आती, विषम परिस्थिति आती, एकदम ढीले ढाले, बिल्कुल जैसे लगता है बस गए मामला। कुछ लोग होते हैं अंदर से, बाहर से बड़े कोमल, भीतर से लगते हैं, लेकिन जब परिस्थिति बदली बहुत सख्त हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति वही है। तो जो पानी है, उबलता हुआ पानी, वो गाजर को बदल देता है, उबलता हुआ पानी अंडे को बदल देता है, तीसरी घटना चाय पत्ती पानी के स्वाद को ही बदल देती है। समझ गए ना,
चाय पत्ती पानी के स्वाद को ही बदल देती है। आप यदि सही होंगे तो आप परिस्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, और आप कहीं गड़बड़ होंगे तो परिस्थिति आपको बदलेगी और तोड़ेगी। आप क्या हैं ये ध्यान दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। बातों को सुनो और भीतर उतरने दो। परिस्थिति मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं गाजर की तरह हूँ? क्या मैं अंडे की तरह हूँ जो सख्त हो जाता हूँ? लोगों के साथ बड़े कोमल व्यवहार करता हूँ लेकिन जब परिस्थिति बदलती तो मैं बहुत सख्त हो जाता हूँ? नहीं, क्या करना है आपको? स्वाद बदल देनी है, चाय पत्ती की तरह होनी है। मतलब स्वस्थिति एक, देखिए इसको फिर से बताऊं, एक है परिस्थिति और दूसरी बात क्या है? स्वस्थिति। परिस्थिति और स्वस्थिति, पर का मतलब दूसरी स्थिति, दूसरे की स्थिति। क्या हम सभी परिस्थिति को बदल सकते हैं? वातावरण को बदल सकते हैं? लोगों को बदल सकते हैं? अभी कुछ माताएं गई थी, कमरे में था तब, कहा एक ने, साहेब जी बाल बच्चे ठीक नहीं है। ये शिकायत हम लोगों में है क्या? आप सब में सही है ये? नहीं को उन्होंने कहा, बहुतों की आवाज है। तो मैंने कहा माता जी आप ठीक हो जाइए, मैंने कहा आप ठीक हो जाइए, क्योंकि जो अभी आए ही नहीं है उसे मैं बदलने का क्या काम करूं? आपको कहता हूं आप ठीक हो जाइए। और फिर कहा आप जब ठीक हो जाएंगे तो वहां से रिजल्ट भी बदल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आप और हम सभी चाहते हैं कि घर में एक शांति का वातावरण पसरे, शांति का फैलाव आए, घर में शांति का वातावरण बने, तो पहला काम हमें क्या करना है? मैं पूछ रहा हूं, क्या आप चिल्लाने लगेंगे घर वालों के पास जाकर के कि शांति से रहो, चुप रहो, मौन रहो, हल्ला मत करो, गलती मत करो? चिल्लाओगे शांति होने वाली है? क्या होने वाली है? कभी नहीं होने वाली है। उसका एक ही तरीका है, आप ये चाहते हैं कि घर में शांति का वातावरण बने, तो एक ही काम है, केवल एक काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, आप शांत रहना शुरू कर दीजिए। समझ गए आप जब शांत रहेंगे तो आपके भीतर से एक रेडिएशन क्रिएट होगा, आपके भीतर से। ओ वेलकम, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आपके भीतर से एक रेडिएशन, हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है। हो गई ये बातें तो खत्म होती नहीं है। हाँ आप कर लीजिए, 5 मिनट का वक्त देता हूँ। पिछले साल आप आए थे, बहुत अच्छे आपके विचार हम लोग सुने थे, और हम लोगों का ये अच्छा अवसर है कि आप फिर से पधारे हैं और कल फिर से हमारे बीच आप आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा समय है तो हम उनके विचार सुनना चाहेंगे। मैं क्या कह रहा था, हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है, हर आदमी के भीतर से एक रेडिएशन क्रिएट होता है। आप क्या क्रिएट करें? जो आपकी भाव दशा है, जो आप अंदर से हैं, मैंने कहा था ना, यदि आपने अमृत भरा है, आपने मिठास भरी है, तो आपके भीतर से मिठास किससे निकलेगी? आपके शब्दों से, आपकी क्रिया से, आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, आपके प्रत्येक क्रियाकलाप से मिठास निकलने वाली है। और भीतर कहीं जहर है, भीतर कड़वाहट है, तो शब्दों से भी कड़वा निकलने वाला है। आपके चेहरे में कड़वाहट दिखेगी, आपकी आंखों में कड़वाहट दिखेगी, और आपकी प्रत्येक क्रिया कड़वाहट को प्रतिबिंबित करने वाली है। आप चलेंगे तो पता चल जाएगा। दो प्रकार से हम प्रदर्शन करते हैं विचारों, कैसे करते हैं? एक होता है शब्दों के माध्यम से, वर्बल लैंग्वेज कहते हैं जिसे, दूसरा है शरीर के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं। शब्दों को बोल करके हम लोगों के सामने अपनी बातें रखते हैं, और शरीर के माध्यम से भी, मैं आपको बताना चाहता हूं ये शब्दों से भी ज्यादा, शब्दों से भी ज्यादा। क्यों? आप अपने मन के विचारों को तो शब्दों के माध्यम से आप बाहर भेज सकते हैं, जो मैं सोच रहा हूं वो आपके सामने बोल रहा हूं, लेकिन
विचार होते हैं मन से, लेकिन भावना आपकी होती है आपके दिल से, हृदय से भावना निकलती। भावना का संबंध दिल से है, दिल से है। यदि आप शब्दों को तोड़ मरोड़ करके कहीं आप सुधार भी लिए, लेकिन भावना सही नहीं है, तो आप शब्दों को दुरुस्त करके दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। आपकी आंखें बोल देंगी, मैं बता रहा हूं। आंखें आत्मा की खिड़की होती है, आत्मा की खिड़की होती है, आंखों से पता चल जाता है। चेहरा आप शब्दों को ठीक कर सकते हैं, क्रिया को कई बार बदल सकते हैं, लेकिन चेहरा नहीं बदल सकते। ये पंक्ति कई बार सुने होंगे आप लोग, गाते हैं, ये सिनेमा वालों की ही है। लाग छिपाए छिप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली। आप ध्यान दे रहे हैं, भीतर क्या है वो कहीं गलत है। तो शब्दों में आप बढ़िया शब्द प्रयोग करके भी, क्यों? क्योंकि जो मन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है विचारों की, उससे 500 गुना ज्यादा, कितना? 500 गुना ज्यादा शक्तिशाली है हृदय। जो भावना है उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड है वो शक्तिशाली है। शब्दों की गति से भी ज्यादा तेज गति से आपकी भावना गतिमान होती है। दूर से ही पता चल जाता है कि आपका भाव क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आपके घर में एक मेहमान आया और वो मेहमान कौन सा बताऊं? इसको कह सकते हैं आप अनवांटेड गेस्ट, जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, दरवाजे पर कोई आता है तो दरवाजे की मर्यादा होती है। आप क्या कह रहे हैं? आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। ये आप शब्दों से कह रहे हैं ना, लेकिन भीतर से आप क्या कह रहे हैं? ये बदमाश क्यों आ गया? होता है कि नहीं होता है? ये बदमाश क्यों आ गया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके शब्द बाद में पहुंचेंगे और आपकी जो भावनाएं पहले पहुंच जाएगी। उसको पता चल जाएगा मेरा आना इनको पसंद नहीं है। ये आप ध्यान दीजिए। इसलिए इनर कन्वर्शन, भीतर बदलाव। मैंने क्या कहा था? रेडिएशन। आप सब, हम सभी करते हैं। जब भावना गलत होती, जिसमें नफरत और घृणा और द्वेष है, क्या आप कर रहे हैं भीतर? और मैंने क्या कहा था? यदि आप, हम चाहते हैं कि घर में शांति का वातावरण पसरे फैले, तो सबसे पहला काम स्वयं शांत होना शुरू कर दें, स्वयं शांत रहना शुरू कर दें। फिर उसका प्रभाव धीरे 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 परिवार के लोगों में होगा और फिर उसमें भी परिवर्तन आएगा। इसलिए परिस्थिति को नहीं बदलना है, स्वस्थिति को बदलने की जरूरत है। मैंने ये दुख सुख पर चर्चा शुरू की थी। बाहर कहीं दुख नहीं है, सुख नहीं है, हम उसका निर्माता है। हम उसका जो भी करते हैं उसके परिणाम में सुख मिलते हैं, उसके परिणाम में दुख मिलते हैं। और हम परिणाम में परिवर्तन नहीं ला सकते अपने, जैसे मैंने कहा ना, फसल में क्या परिवर्तन, बीज में परिवर्तन ला फसल बदलने के लिए। तो जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, उसमें परिवर्तन लाएंगे, रिजल्ट बदलेगा, रिजल्ट बदलेगा। ये बातें फिर भविष्य में करेंगे। जैसा मैंने कहा, हमारे बीच माननीय सुबचन राम जी, प्रधान आयकर आयुक्त, अभी यही हैं प्रयागराज में। सरकारी नौकरी में तो हैं, लेकिन एक चिंतक हैं, मनीषी हैं, मौलिक चिंतन करते हैं और जीवन को भी गहराई से समझते हैं। और उनकी सोच ही ऐसी है, उनकी जो पुस्तकों के पढ़ के नहीं, परंपराओं से सट करके नहीं, अपनी थिंकिंग है और एक नई सोच है। और नई सोच को हम सबके बीच साझा करने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं श्री माननीय गुरबचन राम जी। प्लीज आप अपने कुछ विचार रखें। बहुत सादर पूर्वक आपको मैं माइक सौंपता हूं। और आपके बाजू में बैठे हैं ओंकार वानखेड़े जी, श्री ओंकार वानखेड़े जी, और कल भी आपसे हम मिलना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और अब हम सुने आयुक्त साहब से। साहेब कबीर, साहेब आप लोग साहेब क्यों नहीं बोल रहे हैं? साहेब तो बोलिए, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। बोलिए साहेब बंदगी, साहेब।
बहुत ही सुंदर वातावरण है और संत समाज का आगमन है। मंच पर भी संत समाज बैठा हुआ है। दाहिने हाथ की तरफ साध्वी श्री संत समाज बैठी हुई हैं। संत समाज के साथ जुड़े हुए उपासक उपासिकाएं, अनुयायी भक्तगण बैठे हुए हैं। ऐसे मौके पर, ऐसे सुअवसर पर हम लोगों को बुलाने के औचित्य पर मैं कभी कभी मैं फंस जाता हूँ कि इतने सुंदर सुंदर विचार देने वाले, इतनी अच्छी बातें करने वाले, जहाँ संत हों वहाँ ये अधिकारी कर्मचारी क्या बोलेंगे। लेकिन संत कबीर के विषय में सोचते सोचते, मनन करते करते, चिंतन करते करते एक बहुत सुंदर बात याद पड़ी, बहुत सुंदर बात। संत कबीर कहते हैं कि वक्ता तो बहुते मिले, गहता मिला न कोई। कहीं कहीं पाठ अलग अलग है, कई कई बातें लोग घुमा फिरा देते हैं, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मैं ये पढ़ रहा था, समझ रहा था, इतनी सुंदर बात कि वक्ता तो बहुते मिले, गहता मिला न कोई। ये गहता का मतलब ये कि जो गहन चिंतन करता है, गहन अध्ययन करता है, गहन बात को समझता है, वही युग पुरुष होता है, वही समाज का दर्शन, समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। जो गहता नहीं है वो सिर्फ बहता है, वो चलता रहेगा, जीवन को भी पास करेगा, समय को काट जाएगा, ऐसे बहता रहेगा। संत कबीर कहते हैं कि सबसे बड़ा महापुरुष वो होता है जो गहता हो। संत कबीर के इस वाणी में, इस चिंतन में पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का मार्गदर्शन छुपा हुआ है। बहुत बड़ा सोच छुपा हुआ है। उस संत ने मध्य युग में 4 तरफ प्रपंच, पाखंड, वो सब कुछ देख रहा। संत ने मध्य युग में प्रपंच, पाखंड, कुरीतियां, बुराइयां, आपसी कलह, ईर्ष्या, द्वेष, कब सब कुछ देख रहे हैं। देखने के बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये बुराइयां, ये पाखंड ये कहां से पैदा हो रहा है, कौन सी संस्कृति इस देश में दी जा रही है जहां से मनुष्य के बीच में दूरी, दो मनुष्यों के बीच में दूरी, जानवरों में दूरी, मनुष्य की व्यवस्था लागू नहीं हो रही है बल्कि जानवर व्यवस्था लागू हो रही है। ये संत कबीर ने अपनी आंखों से समाज को देखा, क्योंकि वो गहन चिंतक, गहन अध्ययन, गहन सोच वाले महापुरुष थे। उस महापुरुष को विश्व में आप देखेंगे तो ऐसा चिंतक मध्य युग में कोई पैदा नहीं हुआ है। पूरे मध्य युग में उतना बड़ा चिंतक, उतना बड़ा महापुरुष कोई पैदा नहीं हुआ।
संत कबीर को संत क्यों कहा जाता है, भक्त कबीर क्यों नहीं कहा जाता है, ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि भक्त तुलसीदास कहा जाता है, भक्त सूरदास कहा जाता है, भक्त नाभादास कहा जाता है, भक्त वल्लभाचार्य जी कहा जाता है, सारे लोग भक्त कहे जाते हैं। लेकिन मध्य युग में दो ही महापुरुष हुए, एक को कहते हैं संत शिरोमणि, संत शिरोमणि गुरु रविदास, और दूसरे महापुरुष को कहा जाता है साहेब कबीर। वो संतों के सरताज को पूरे भारत के लोग साहेब कबीर कहते हैं, पूरे गुरुदेव को प्रणाम। बैठ जाएं आप लोग, जल्द से जल्द बैठ जाएं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक सुंदर सी बात चल रही थी, गुरुजी आ गए, अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। गुरुदेव को प्रणाम, गुरुदेव के श्री चरणों में अभिनंदन वंदन। हम एक चर्चा कर रहे थे कि मध्य युग में संत शिरोमणि गुरुदास, गुरु रविदास, और दूसरे संत को हम कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सबसे महापुरुष संत साहेब कबीर, और बाकी लोगों को उस युग में भक्त कहा जाता है, भक्त तुलसीदास जो भगवान राम के पुजारी थे, भक्त सूरदास जी भगवान कृष्ण के पुजारी थे। लेकिन संत कबीर को भक्त नहीं कहा जाता है कि भक्त कबीर दास, नहीं। क्यों? क्योंकि संत कबीर दृष्टा थे, दृष्टि थी, नजर थी, वो संत वो थे जो समाज का, संस्कृति का और सभ्यता का सुधार कर रहे थे, जो समाज का, संस्कृति का, सभ्यता का, मानवीय आचरण का, हमारे आपके व्यवहार का जो परिष्कार करता हो, साफ सफाई करता हो, साबुन लेकर जो धूलता धो के जो समाज में गंदगी है, जो व्यवहार में गंदगी है, जो परंपरा में गंदगी है, जो यहाँ के जीवन शैली में जो गंदगी है, उस गंदगी को संत कबीर ने एक एक करके धोया, साफ किया, और साफ करने के बाद घोषणा की मध्य युग में बनारस में कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। ये सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, मैं इसको जानबूझ के बोल रहा हूँ कि संत कबीर साफ साफ घोषणा करते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर, एक अक्षर ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।
संत कबीर ने इतनी बड़ी बात कही है उसको हम लोगों ने ठीक से समझा नहीं है। वो कहते हैं कि जो शास्त्र है, ये जो पोथियां हैं, ये जो किताबें हैं, ये पढ़ के आप जितना भी विद्वान बन जाने का भ्रम पाल लें, हम आपको विद्वान नहीं मानते, हम आपको पंडित नहीं मानेंगे। क्यों? कि आप में प्रेम ही नहीं है। एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के बीच में आपने दूरी बना रखी है। ये छोटी जात का है, ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, ये ऊंची जात का है, ये जो वाल्मीकि जात का है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। संत कबीर जैसा महापुरुष मध्य युग में ये घोषणा करते हैं, वो कहते हैं कि किताब पढ़ के, किताब बाँच के, कथा बाँच के, कथा कह के जो है कोई पंडित नहीं हो सकता, विद्वान नहीं हो सकता, महापुरुष नहीं हो सकता है। मैं उसको मानता ही नहीं हूँ, मैं उसको पंडित मानता हूँ, उसको विद्वान मानता हूँ, उसको महापुरुष मानता हूँ जिसमें मानव मात्र के प्रति, प्रकृति के प्रति, पूरे जानवर को भी, वो कहते हैं कि उसके प्रति भी जो है प्रेम रहे, जिसमें प्रेम भाव उपजित हो गया है, जिसमें प्रेम उपज गया है वो महापंडित हो सकता है, जिसमें प्रेम भाव नहीं है वो पंडित नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी बात संत रविदास के बाद उन दोनों महापुरुष ने कितनी बड़ी बात ये कही। उसी महापुरुष ने जिसको पूरा भारत जो है नमन करता है, संत कबीर ने जो इतनी सुंदर बात कही थी, जिसको हमने छेड़ा था कि बहता बकता बहुते मिले, गहता मिला न कोई। और वो बड़ी अच्छी बात की जो है, मैं इतनी सुंदर बात मैं संत श्री से पूछ रहा था कि जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ। पूरा विज्ञान ही इसी पर आश्रित है, पूरा अध्ययन ही इसी पर आश्रित है। जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरी ढूंढन गई रही किनारे। जब आप पानी के भीतर जाएंगे तब आपको हीरे जवाहरात मिलेंगे, उसमें मड़ी मिलेगा, हीरा मिलेगा, उसमें भीतर पानी के भीतर जो छुपा हुआ तत्व है, सार तत्व, वो तब मिलेगा जब उसमें आप अवगाहन करेंगे। संत कबीर कहते हैं कि ये पूरे के पूरे आध्यात्मिक जीवन में आप धीरे 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 जब नीचे उतरेंगे, आप भीतर गहराई में जाएंगे, तब आपको सार तत्व मिलेगा, तब आपको समझ मिलेगी, तब आपको दृष्टि मिलेगी, तब आपको भाव मिलेगा, तब आपको सात्विक आचरण मिलेगा। बाहर रहेंगे, समाज से बाहर रहेंगे, संस्कृति से बाहर रहेंगे, और भीतर गहेंगे नहीं, अंदर पैठ नहीं लगाएंगे, आप बातों को गहराई से नहीं समझेंगे तो किनारे मूर्ख की तरह बैठे रह जाएंगे। संत कबीर ने इतनी बड़ी बात मध्य युग में कही और भारत में शास्त्रों की परंपरा को माना नहीं, परंपरा में जो गंदगी है उसको नहीं माना, जो पाखंड है उसको नहीं माना, जो प्रपंच है उसको नहीं माना, जो भाग्य भाग्य करते हैं उसको नहीं माना। उन्होंने पूरे भारत को, पूरे देश को एक जो है चक्षु दिया, दृष्टि दी, और वो दृष्टि दी कि मनुष्य मनुष्य के बीच में हमको प्रेम विकसित करना है, समाज का परिष्कार करना है। संत ने समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिए उस घोषणा किया। उसके बाद हमारी एक नई संस्कृति विकसित की जिसको संत साहेब कबीर की संस्कृति कहा जाता है, और संत साहेब कबीर की जो संस्कृति है उससे भारत में अखंड मानवीयता स्थापित हुई। क्या स्थापित हुई? अखंड मानवीय चेतना की स्थापना हुई। मतलब मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए, जानवरों के प्रति भी सम्मान होना चाहिए, पेड़ पौधों के प्रति भी सम्मान होना चाहिए। इतनी बड़ी उद्घोषणा भारत के इस जमीन पर महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बाद इस जमीन पर
इतना बड़ा सद्वचन, इतनी बड़ी वाणी, इतनी बड़ी विचार दर्शना किसी महापुरुष ने दी है, तो उस महापुरुष का नाम है साहेब कबीर, उस महापुरुष का नाम है संत कबीर। इसीलिए कभी भी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, कहीं भी भक्त कबीर नहीं कहा जाता है। क्यों? कि भक्त जो है बनाने वाले लोग आपको कहते हैं कि मुँह दहू आँख कते कुछ नाहीं रामा हो रामा। क्या बोलते हैं कि आँख बंद कर लो, कहीं कुछ नहीं, राम राम करते रहो, बस मुक्ति हो जाएगी। और संत कबीर कहते हैं कि हाथ का जो मन का माला है ना, उसको फेंक दो, मन का फिर संत कबीर कहते हैं फर्जी वाला काम मत करो। और यहां पढ़ाया जाता है कि मुँह दहूं आंख कते कुछ नाही रामा हो रामा। फिर ये कह दिया जाता है कि राम नाम का लूट है, लूट सको तो। मैं सोचता रह गया कि ये कहने वाला ऐसा क्यों कहा होगा कि राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट। फिर मुझे पता चला मंदिरों में जाने के बाद कि सचमुच यहाँ तो लूट ही हो रहा है, पैसा जमा करो लूट लेंगे, देंगे ही नहीं आपको, पैसा हमारा जमा वहाँ किया, समाज को देना ही नहीं है, लूट लिया। फिर पता चला कि चारों तरफ लूट ही मची हुई है, जब लूट मचेगी तो गरीब इधर बैठे रहेंगे, क्योंकि लूटे तो हैं नहीं लोग, न देश लूटा न समाज लूटा। तो जब देश नहीं लूटा, जब समाज नहीं लूटा, तो गरीब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये संत के आचरण वाले लोग हैं, पवित्र लोग हैं, मन के साफ सुथरे लोग हैं, गरीब हैं तो क्या हुआ। इन्होंने इस वाणी को समझा ही नहीं कि लूट सको तो लूट। और फिर हमने और भी सोचा कि दूसरी लाइन और भी है कि ये अंधन की भीड़ है, इसमें फूट सको तो फूट। अरे हमने कहा कि लूट सको तो लूट, तो समझ में आती है बात, समाज में फूट भी डाल दो कि ये वाल्मीकि समाज के हैं, भंगी समाज के हैं, नाई समाज के हैं, ये चमार समाज के हैं, ये मौर्य समाज के हैं, ये इस जात के हैं, उस जात के। हमने कहा ओ अब बात समझ में आ रही है कि लूट सको तो लूट से बात नहीं, जब बनी तो फूट लगा दो फूट। तो लूट तंत्र भी शुरू हो गया, फूट तंत्र भी शुरू हो गया, और बाद में गरीबों ने अपनी आवाज उठाना शुरू की तो उनको मारना भी शुरू कर दिया। तो हमने कहा कि कूट सको तो कूट भी इन्हीं के पास है, कमाल है। संत कहते हैं कि पूरे भारत का, पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। संत कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच में कोई विभेद नहीं होना चाहिए। संत कहते हैं कि हिंदू ये मुस्लिम, इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों को वो जोड़ रहे हैं, और यहां दोनों को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। तब पता चलता है कि भाई लूट सको तो लूट के साथ साथ जो है फूट सको तो फूट, फूट डाल सको तो फूट डाल लो, ये भी चला। अब तो ये भी देखने को मिल गया कि मारपीट, झगड़ा, तूफान, आपस में किसी के बलात्कार, किसी का कुछ, किसी का जो है सर काट दो, कुछ ये मार। तो ये कूट सको तो कूट की संस्कृति किसने पैदा की है? संत कबीर ने मध्य युग में इन सारी बुराइयों को समाप्त करने की उद्घोषणा की, और जो ही समाज के सुधार का, व्यक्ति के आचरण का, परंपरा का, सामाजिक व्यवस्था का जो बुराइयां उपजित थी, उसको उन्होंने समाप्त किया। समाप्त करने के बाद संत रविदास के उस परंपरा में संत कबीर ने और भी ऊंचाइयां हासिल करके हमारे देश, हमारे समाज, हमारी संस्कृति को साफ सुथरा किया, उसको परिष्कृत किया। परिष्कृत करने की वजह से
साफ सुथरा करने की वजह से संत कबीर को संत कहा जाता है, भक्त नहीं कहा जाता है। उसी साहेब कबीर के इस पावन स्थान पर, ये कबीर पारक स्थान पर, जहाँ पारख करना, परख लेना है, बात को समझना है, संत की वाणी को समझना है, संत के उपदेश को समझना है, संत के सदुपयोग को समझना है, संत के सदवाणी को समझना है, गुरुओं की परंपरा को, भारत के संधान करने वाली परंपरा की जो संस्कृति यहाँ से विकसित हो रही है उसको समझने के लिए हम और आप सभी लोग आए हुए हैं। और आपने मुझे मौका दिया, मैं संत समाज का ऋणी हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। प्रणाम, अभिनंदन, वंदन।